नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 6 मई को यानी कि कल वोटिंग होगी। इस बीच बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट पर जिस पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, आपको याद होगा लखीसराय में वोटिंग में गड़बड़ी की बातें सामने आई थी। 29 अप्रैल को मुंगेर लोकसभा सीट के लखीसराय क्षेत्र के 2 बूथों पर कैप्चरिंग का मामला सामने आया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए वहां पर चुनाव रद्द करा दिया गया। अब वोटिंग होनी है 6 मई को, कल वोटिंग होगी लखीसराय के 2 बूथों पर। अब बता देते हैं उसके बारे में, थोड़ा डिटेल से भी आपको बताते हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घोंगसा गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 339 और 340 पर 6 मई यानी कि कल पुनर्मतदान होगा। शनिवार को चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी लखीसराय को पुनर्मतदान करने की तैयारी की जाए। डीएम को ओएसडी नीरज कुमार ने इस बाबत सूचना दी, इस मामले की पुष्टि की। मालूम हो कि 29 अप्रैल के तहत चौथे चरण के दौरान हुए मतदान में मध्य विद्यालय घोंगसा भवन स्थित बूथ नंबर 339 एवं 340 पर स्थानीय लोगों द्वारा ईवीएम को कब्जे में लेकर खास प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात सामने आई थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो जब चुनाव आयोग को मिला तो इस पर संज्ञान लिया गया, कार्रवाई की गई, चुनाव रद्द कराया गया और अब 6 मई यानी कि कल जब 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे होंगे, मतदान हो रहे होंगे, तो उस बीच एक और लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा होगा जो लखीसराय है। 2 बूथों पर चुनाव होंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल 5 नहीं 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज आपको दे रहा है। देश दुनिया खबरों से अपडेट रहने के लिए, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज.in पर जाएं। धन्यवाद।